बहुत ही सिर्फ पी बोलते तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। लेके आ गया तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो। तो भाई आज हम उतरते हैं पोचिंग की। तो क्या ही मज़ा आया भाई आज के मैच में, आप देख के खुद ही बहुत मज़े लेंगे इस मैच के, क्योंकि आज हम खेल रहे हैं डुओ वर्सेस स्कोर। तो भाई क्या ही मज़ा आया, आपको मैं पहले ही बता दूं, ये एस लॉबी है जिसमें हम खेल रहे हैं। भाई क्या ही तगड़े बंदे हैं इस लॉबी में। तो सबसे पहले मुझे मिली UMP 9 लेके मैं सीधा ही भाई इस ट्रिपल स्टोरी में घुसा। इसके ऊपर एक बंदा था जो कि भाई शॉटगन लेके बैठा था। भाई क्या ही बंदा था, पीक लेके बैठा इधर। फ्री फायर में मैं गया ऊपर भाई और फिर से पीछे आया, तब तक वो भाई ऊपर भाग गया। तो जब मैं ऊपर गया तो वो भाई छलांग मार के नीचे चला गया। तो सबसे पहले मैंने उसे देखने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। तो जैसे तैसे भाई मैंने UMP अपनी रीलोड की और सीधा ही नीचे गया। तो तब तक मेरा टीममेट उसे पिस्टल से शॉट दे रहा था। तो इधर आया मैं, मैंने भी उसे दे और इसी के साथ उसे किया नॉक। और भाई क्या ही मज़ा आ रहा था इस मैच में, क्या ही बताऊँ भाई। इस मैच में तो हमने बंदों की ऐसी ढाकी टिकी की ना भाई, ढाकी टिकी। तो भाई ऐसे ही मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर बंदे थे बहुत बहुत, नहीं एक स्क्वाड था पूरा इस घर में। तो मैंने वेट किया और मेरा टीममेट भी पूरा साथ दे रहा था मेरा। तो भाई क्या ही आचू भाई ने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया भाई। तो हम दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से ये मैच खेला। पहले इस बंदे को किया नॉक, फिर मैं आया कवर में, उतने में एक और बंदा आया, इसे भी करते हैं नॉक। और इसी के साथ उसके बंदे ने मुझे दी इजी की शॉट और मैं हो गया नॉक। तो इसी के साथ आशु भाई आए और आशु भाई ने क्या ही भाई बंदे, पहले आप खुद ही देख सकते हैं, पहले तो उन्होंने इस बंदे को नॉक किया और फिर मुझे किया रिवाइव। तो भाई आशु भाई के लिए लाइक तो बनता है और मेरे लिए भी, तो लाइक कीजिए। और अभी तक जिन बंदों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताजो तुम्हारा भाई ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए और लेके आएगा। तो भाई कर दो यार, क्या कर रहे हो, किसकी वेट कर रहे हो। तो चलो भाई सबसे पहले ऊपर गए भाई, तो हमने एक और बंदा था इधर, उसे क्लियर कर दिया आशु भाई ने। तो सामने वाले घर में एक और स्क्वाड थी, तो मैंने पहले उनको मारने की कोशिश की लेकिन बच गया। पहले इस बंदे को करते हैं नॉक, उसी के साथ मैंने सोचा कि आगे बढ़ता हूँ। तो पहले मैं इधर गया, मैंने सोचा कि पजल करने के लिए स्मोक फेंकता हूँ। तो भाई क्या ही मेरे साथ ये पिंक का मसला हो गया भाई। देखो जिन जिन बंदों के साथ ये होता है ना भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना, तो कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो भी बताना। तो मैं अपने पिंग जब मेरी सही हो गई तो मैं रोटेशन मार के इस घर के पास आया, बंदे अभी तक उस घर में ही थे। तो जैसे ही मैं बाहर निकला दीवार के पास आया तो मैंने देखा कि एक और बंदा दूसरी तरफ से आ रहा है। तो पहले मैंने थोड़ा सा वेट किया उसका, ताजो पीछे से फायर देगा तो भाई नॉक तो होना ही था। तो पहले मैंने वेट किया, तो मैंने देखा बंदा पीछे की तरफ भाग रहा है, तो मैं भी थोड़ा आगे भागा और इसी के साथ इस बंदे को भी करते हैं नॉक। नॉक करने के बाद भाई सीधा ही मैं इधर आया और इस बंदे को क्लियर भी कर दिया। और क्लियर करने के बाद एक बंदा और बालकनी में, बालकनी वाले को भी नॉक, और नॉक के साथ ही इसको भी करेंगे पूरा किल। और भाई मैंने अपनी गन को किया रीलोड, अभी दो बंदे ऊपर और थे। तो पहले मैंने नेड देखा, नेड नहीं था मेरे पास, तो इस बंदे की पेटी से नेड लेंगे। भाई नेड मिल गया और इसी के साथ एक नेड फेंकना तो बनता है भाई। इस मैच में तो क्या ही नेड किए ना हमने, आप खुद ही देखिए भाई, खुद ही देखिए आप। और इसी के साथ एक और बंदा नॉक, तो भाई ये देख रहा, ये बंदा पता नहीं क्या ही स्मोक में अगर बैठ गया कि कोई आएगा तो सीधा ही पेड़ डालूंगा, लेकिन इसको क्या मालूम था भाई इसकी ढाकी टिकी करने वाले हैं हम लोग। तो जैसे तैसे हम इधर आए, हमने सोचा कि पोचिंग की क्लियर हो गया, लेकिन इधर से आए बंदे के फायरिंग के निशान, तो हम इधर आए। तो पहले तो मैं इधर आया और आशु भाई ऊपर गए, लेकिन उसको नॉक कर दिया बंदे ने, ये कैंपर था। तो मैंने थोड़ा सा प्री फायर दिया, पीछे आया आशु भाई को रिवाइव करने के लिए। तो जैसे ही मैं इधर आया, पहले तो भाई को किया रिवाइव, रिवाइव करने के बाद वो बंदा थोड़ा सा आगे आ चुका था। तो भाई क्या ही बंदा था वो,
मुझे पहले मालूम ही नहीं था उसकी लोकेशन के बारे में। पहले तो मैं यहाँ पर रुक के देखने लगा कि बंदा थोड़ी सी हलचल दे, और उसने भाई वो हलचल दे ही दी हमें। उसने एक नेड फेंका जिससे मुझे पता चल गया कि वो बंदा एग्जैक्ट कहाँ पर है। पहले मैंने पीक वीक लेके पूरा देखा कि बंदा मुझे दिख जाए, लेकिन बंदा नहीं दिखा। तो जैसे ही उसने भाई नेड फेंका तो मुझे कंफर्म हो गया कि बंदा इसी घर में है। तो मैंने फिर एक नेड की पिन खींची, और भाई ये क्या ही नेड भाई फेंका, आप खुद ही देखना, मज़े आ गए आएंगे आपको। और इस नेड के लिए लाइक तो बनता है भाई, और जाइए और लाइक कीजिए। इसी के साथ बंदा किल भाई। तो भाई इसी के साथ हाजू भाई बहुत ही एक्साइट हुए इस नेड से, तो मज़ा आया भाई, पूरा मज़ा आया इस मैच का। तो भाई क्या ही मज़े आए। इसी के साथ एक और टीम आई, टीम नहीं दो टीम थे भाई, ये आपस में फाइट ले रहे थे, और इसी के साथ इन दोनों बंदों को क्लियर किया। और साइड वाली टीम एक और थी, उसे भी हमने स्पॉट करने की कोशिश की। पहले मैंने देखा कि वो शायद चर्च पे चले गए, लेकिन नहीं भाई, मैंने पहले उन्हें देखा, अच्छी तरह से स्पॉट किया, क्योंकि भाई अगर लोकेशन नहीं पता होगी तो बंदे को कैसे मारेंगे। लेकिन भाई क्या ही गंदे सीन हुए मेरे साथ इस मैच में, आप देखना बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप देखिए इस बंदे में, यहाँ पर मैंने बताया कि इस घर में बंदे हैं, तो आप देखना भाई। पहले तो ये बंदे रोटेशन मार के भाई ट्रिपल स्टोरी में आए, तो जैसे ही ये ट्रिपल स्टोरी में आए मुझे पता चला, तो मैंने एक नेड की पिन खींची और फिर से नेड फेंका। लेकिन भाई इस बार ये बंदे बच गए, ये अपनी पोजीशन चेंज कर चुके थे। तो फिर मैंने और आशु भाई ने सोचा सीधा रश मारेंगे, तो हम सीधा रश मारने के लिए निकल गए। और जैसे ही हम इस घर में आए, और ये बंदे भाई क्या है पता नहीं क्या कर रहे थे, ये इधर से भाई छलांग मार के निकल गए, आगे बढ़ गए। तो हमने यहाँ पर पहले तो इनसे थोड़ी सी फायर ली, लेकिन फाइटिंग ली, लेकिन ये आगे निकल गए। और जैसे ही ये आगे निकले तो हमने भी सोचा कि इनके पीछे ही जाएंगे। तो जैसे ही मैं इधर आया मुझे पता चल गया कि बंदे आगे इन घरों में चले गए हैं, तो हमने सीधा रश मारने की सोची। और जैसे मैं इधर आया, इस घर में बालकनी में बंदा था, लेकिन भाई क्या ही गंदा सीन हुआ मेरे साथ भाई, क्या ही भाई, आप देख रहा, खुद ही देख रहा। तो भाई अभी तो आशु भाई ने बहुत ही भाई ज़बरदस्त तरीके से बचाया हमें। तो इसी के साथ भाई हम पूरी तरह से घिर चुके थे पचिंकी में, अभी बंदे ही बंदे थे। क्या भाई बहुत ही मज़ा आया। जहाँ से अभी तो हमने सोचा कि जोन आ चुका है और साथ चारों तरफ बंदे हैं, तो हमने सबसे पहले यहाँ से निकलने की कोशिश की। और निकलते ही जैसे ही भाई हम सीधा आ गए जॉर्ज पूल, क्योंकि वो जोन में था। तो पहले तो हम जोधपुर में आए और सामने स्क्वाड हाउस में बंदे दिखे, फाइट हो रही थी उनकी आपस में। तो थोड़े से भाई उनको डैमेज दिया, लेकिन इतने में आशु भाई ने एक बंदे को किल कर दिया। तो यहाँ से जब उन बंदों को, दूसरी टीम को हमारी लोकेशन का पता चला, तो भाई उन्होंने भी हम पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। और हम भाई गाड़ी लेके यहाँ से जैसे तैसे निकले और सीधा ही जोन की तरफ बढ़ गए। तो जैसे ही हम यहाँ पर आए जोधपुर सिटी में, तो हमने घर का कवर लेना सबसे अच्छा माना, तो हम चले गए घर के अंदर। तो हमें मालूम था कि वो बंदे रोटेशन मार के गाड़ी लेके ज़रूर आएंगे हमारे ऊपर, क्योंकि वो पूरा स्क्वाड था और हम दो थे। तो जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इस घर में आए, तो भाई आप देखना क्या ही सीन होने वाला है इस मैच में। यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल, क्या वेट कर रहे हो भाई, जल्दी जाइए। तो इसी के साथ जैसे मैं इधर आया, तो मुझे एक गाड़ी के निशान दिखे। तो जैसे ही भाई मैंने देखा बंदे ऊपर पहाड़ी पे रुक गए थे, तो मैंने बंदे स्पॉट करने की पूरी कोशिश की। तो एक बंदा इधर से मुझे दिखा और उसने भी मुझे देख लिया, तो मैंने पहले अपनी पोजीशन चेंज की, मैं दूसरी साइड पे गया कि कोई ना कोई अच्छी लोकेशन मिल जाए और मैं उसे बंदे को नॉक या किल कर दूँ। तो जैसे ही इधर आया दूसरी तरफ, तो भाई आप देखना क्या ही सीन होने वाला है। तो जैसे इधर आया, इस पेड़ के पीछे एक बंदा आ चुका था। तो पहले तो मैंने मौली पकड़ी, और मौली के साथ भाई क्या ही आप देखना, पहले मौली भाई पूरी बंदे के सर पे, और बंदा हो गया नॉक उसी के साथ। और जैसे ही बंदा नॉक हुआ, तो आशु भाई ने फेंका नेड, और नेड फेंकते ही बंदा हो गया किल। तो जैसे ही हम इस बंदे को क्लियर करके पीछे आए,
तो भाई उससे उसकी दूसरी उसकी टीम जो है दो बंदे वो हमारे ऊपर आ चुके थे। तो हम अभी थोड़ा सा ना पीछे आए, और जैसे मैं इस दूसरे कमरे की तरफ गया तो मैंने सोचा इस दीवार के पीछे रुक जाऊंगा क्योंकि बंदे अभी आएंगे तो शायद पीक लेके मार दूंगा। लेकिन क्या ही भाई गंदा सीन हुआ मेरे साथ, सिर्फ दो शॉट पड़े मेरे हेड पे, देखना आप बस, दो शॉट, इसी के साथ मैं नॉक। तो जैसे ही मैं नॉक हुआ, आशु भाई ने एक और बंदे को नॉक किया और उसका दूसरा टीममेट आया और उसने भी कर दिया हमारा काम तमाम। इसी के साथ आज का वीडियो होता है ख़त्म, और जिन जिन बंदों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए, और थैंक यू भाई लोग।